हमने देखा जी। देखिए राजीव साहब जो बात कर रहे थे ना जीएसटी की, इस वक्त कराची में अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शन आज हो जाए तो टीएलपी विल बी अ सरप्राइज पैकेज इन कराची। अच्छा इसलिए कि पीटीआई ने परफॉर्म नहीं किया, एमक्यूएम ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, पीपल्स पार्टी मार्जिनलाइज्ड है, जमात इस्लामी का वोट उस तरीके उस अंदाज में बढ़ा और बढ़ता नजर नहीं आ रहा। अगर कोई जमात इस वक्त आज के दिन कराची में बहुत ऑर्गेनाइज नजर आती है तो वो टीएलपी है। अच्छा ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इवन इन कराची, मतलब नॉट ओनली इन पंजाब बल्कि इन कराची, बुनियादी वजह ये है। मजहर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान को याद करें, मौलाना शाहमंद नूरानी साहब, वो उनका भी कराची बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और अगर आप देखें कि जिस मसलिक से टीएलपी का ताल्लुक है, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फिकर, कराची में एक बहुत बड़ी तादाद उनकी है, और वो सब लोग जो हैं वो टीएलपी के साथ। लेकिन मजहर बात साहब, आपने सिर्फ बलदियाती इलेक्शन का जिक्र इसमें क्यों किया कि अगर आज बलदियाती इलेक्शन हो जाएं, अगर जेन्युइन इलेक्शन हो तो क्या वहां पर टीएलपी का वोट बैंक नहीं होगा? देखिए बलदियाती इलेक्शन जो होता है ना वो ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन होता है जी, बिल्कुल यूसी लेवल का इलेक्शन होता है, वहाँ यूसी के लिए आपको वोट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। तो जो है उसमें उनका जो इन रोड्स है, और क्योंकि ये याद रखें कि टीएलपी मॉफ